हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 दक्षिणपादम ऑफ आवर विकास संस्कृत वर्कबुक। इट इज स्टैंडर्ड 6th संस्कृत वर्कबुक। चैप्टर नंबर 2 दक्षिणपादम मींस राइट लेग। दिस इज एन एक्शन सॉन्ग। ये जो चैप्टर है वो एक एक्शन सॉन्ग है। इट प्रूव्स द लाइवलीनेस ऑफ संस्कृत, यह संस्कृत की लाइवलीनेस को प्रूव करता है। संस्कृत इज नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ गॉड। संस्कृत सिर्फ गॉड की भाषा नहीं है, भगवान की भाषा नहीं है, क्योंकि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, इसलिए इसको देववाणी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज, और यह एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज भी है। द फॉलोइंग सॉन्ग हैज़ बीन कम्पोज्ड फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये सॉन्ग जो है वो एक फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कम्पोज किया गया है, बनाया गया है। द स्टूडेंट्स विल डू एक्सरसाइज और एक्शन अकॉर्डिंग टू द वर्ड वाइल सिंगिंग द सॉन्ग। और बच्चे जब ये गाना गाएं तो वर्ड के हिसाब से उनको एक्सरसाइज भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1, For each of the given question, choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the box provided. Box दिए गए हैं, MCQs question है, right option को choose करके लिखना है box में। Number 1, what is the meaning of the word दक्षिणपादम? दक्षिणपादम word का meaning क्या है? A, राइट हैंड, बी लेफ्ट लेग, सी राइट लेग, डी लेफ्ट हैंड। राइट ऑप्शन इज सी राइट लेग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड खादामा? वर्ड खादामा का मीनिंग क्या है? ए वी आर प्लेइंग, बी वी आर ईटिंग, सी वी आर डांसिंग एंड डी वी आर सिंगिंग। राइट ऑप्शन इज बी वी आर ईटिंग। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वामम? वर्ड वामम की मीनिंग क्या है? ए नंबर वामा, बी नंबर साइड, सी नंबर लेफ्ट एंड डी नंबर हैंड। राइट ऑप्शन इज सी नंबर लेफ्ट। फोर्थ नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मंदम मंदम? मंदम मंदम वर्ड की मीनिंग क्या है? ए आस्क हिम, बी रिपीडली स्पीडली, सी स्लोली, डी गिव देम। सी नंबर इज राइट ऑप्शन, स्लोली। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, What instruction is given in the sentence दक्षिणपादम पुरस्कुरु? Sentence दक्षिणपादम पुरस्कुरु में क्या instruction दिया गया है? A. Move your leg in the south direction. B. Do humbly. C. Move the right leg forward. And D. Raise the leg of south direction. C number is right option, move the leg forward. राइट लेग फॉरवर्ड। सिक्स नंबर, द वर्ड्स कुरुपृष्ठम मीन्स? ए नंबर मूव बैकवर्ड्स, बी टर्न द बैक, सी मेक अ लीव, डी आस्क हिम। ए नंबर इज राइट ऑप्शन, मूव बैकवर्ड्स। सेवेंथ नंबर, द मीनिंग ऑफ द वर्ड दक्षिण हस्तम इज? वर्ड दक्षिण हस्तम का मीनिंग क्या है? ए द हैंड इन द साउथ डायरेक्शन, बी ऑन द साउथ साइड, सी राइट हैंड, डी राइट साइडेड। सी नंबर इज राइट ऑप्शन, राइट हैंड। एट्थ नंबर, हस्तद्वयम मीन्स अ पेयर ऑफ हैंड्स। ए नंबर बी फोल्ड द हैंड्स, सी नंबर टू हैंड्स एंड डी नंबर गिव अ हैंड हेल्प। सी नंबर इज राइट ऑप्शन, टू हैंड्स। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, द वर्ड सर्वांग मीन्स? सर्वांग का मतलब क्या है? ए होल बॉडी,
बी ऑल द ऑर्गन्स, सी कंप्लीट, डी होल बींग. ए नंबर इज राइट ऑप्शन, होल बॉडी. टेंथ नंबर, द सेंटेंस सर्वे मिलित्वा मीन्स, सेंटेंस सर्वे मिलित्वा का मतलब क्या है? ए ऑल टुगेदर, बी एवरीवन मीट्स, सी नंबर टू मीट एवरीवन, डी नंबर एवरीवन्स मीटिंग. ए नंबर इज राइट ऑप्शन, ऑल टुगेदर. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोयम. फिलअप करना है पोयम के हिसाब से. वन नंबर, त्वम दक्षिण पादम गोलाकारम डैश. तो ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए गए हैं, भ्रम और भ्रामय. चैप्टर के हिसाब से हमको करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन होगा राइट, भ्रम. सेकेंड नंबर, त्वम वामम पादम पुरस्कुरु. थर्ड, त्वम हस्तद्वयम कुरुपृष्ठम. फोर्थ, सर्वे मिलित्वा गायामः. फिफ्थ, सर्वे मिलित्वा नृत्यामः. सिक्स, त्वयम त्वम स्वयं गोलाकारम भ्रम. नेक्स्ट, थर्ड नंबर, पुट अ टिक अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड अक्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. चैप्टर के हिसाब से जो बातें सही कही जा रही हैं उनको टिक लगाना है, और जो बातें रॉन्ग कही जा रही हैं उनको क्रॉस करना है. वन नंबर, चिल्ड्रेन स्ट्रेच द राइट लेग फॉरवर्ड. तो ये चैप्टर के हिसाब से राइट होगा. सेकेंड नंबर, ऑन चाइल्ड पुट लेफ्ट लेग फ्रॉम द राइट. तो ये चीज चैप्टर में नहीं आया है, ये रॉन्ग होगा. थर्ड नंबर, बालाह यूयम त्वरितम भ्रामत. तो ये भी चैप्टर में नहीं आया है, ये भी रॉन्ग होगा. फोर्थ नंबर, हस्तद्वयम कुरुपृष्ठम, ये राइट होगा. फिफ्थ नंबर, पुट ऑल द बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड, ये भी राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, फाइंड आउट द संस्कृत वर्ड ऑफ द इंग्लिश वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम दिस सॉन्ग एंड राइट. इस सॉन्ग से कुछ इंग्लिश वर्ड दिए गए हैं और संस्कृत लिखना है. फर्स्ट नंबर, राइट लेग दक्षिण पादम. सेकेंड, लेफ्ट हैंड वामम हस्तम. थर्ड, स्लोली मंदम. फोर्थ, ऑल बॉडी पार्ट्स सर्वांगम. फिफ्थ, प्ले खेलामा. सिक्स, ऑन सेल्फ स्वयं. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट द ट्रू सिनोनियम्स ऑफ द संस्कृत वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अगेंस्ट देम एंड राइट. तो यहाँ पर ट्रू सिनोनियम्स, सिनोनियम्स क्या होते हैं? समानार्थी, समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो सिनोनियम्स कहलाते हैं. तो हमें समान अर्थ वाले शब्द यहाँ पर लिखने हैं. वन, पुरह का होगा पुरस्तात, पूर्वम नहीं होगा. सेकेंड, मंदम मीन्स स्लोली होता है तो शीघ्रम या फिर शनै, तो शनै होगा राइट ऑप्शन. थर्ड नंबर, हलम मतलब कर या करी, तो हस्तम कर या करी, तो ये हो जाएगा कर यानी हाथ. फोर्थ नंबर, पृष्ठम मतलब पश्चात पीछे, अग्रे नहीं होगा. फिफ्थ नंबर, गोलाकारम मतलब चक्राकारम, मिलित्वा का मतलब होता है मिलकर, ये नहीं होगा, चक्राकारम लिखेंगे. सिक्स नंबर, खादामह तो वदामह या भक्षयामह, वदामह का मतलब बोलेंगे या बोलना, प्लूरल है वर्ड, वदती का प्लूरल है वदामह, तो ये भक्षयामह होगा राइट ऑप्शन. सिक्स नंबर, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली इन गुड हैंड राइटिंग. यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देख देख करके गुड हैंड राइटिंग में सेम टू सेम कॉपी कर देना है वर्ड को. दक्षिण पादम वन नंबर, सेकेंड भ्रामयतम, थर्ड नंबर पृष्ठम, फोर्थ गोलाकारम, फिफ्थ नंबर पुरस्कुरु एंड सिक्स नंबर मिलित्वा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश. इंग्लिश में वन सेंटेंस में आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द सॉन्ग दक्षिण पादम हाउ हैव वी बीन इंस्ट्रक्टेड टू मूव राइट लेग. राइट लेग को किस तरीके से मूव करने के लिए इंस्ट्रक्टेड किया गया है सॉन्ग दक्षिण पादम में.
आंसर. In this song, we have been instructed to move the right foot, F-O-O-T, foot, F-O-O-T, foot, forward, F-O-R-W-A-R-D, forward and backward. Next question, question number 2. In the song Dakshinapadam, what have the children been instructed to do themselves? इन दिस सॉन्ग द सॉन्ग दक्षिण पादम में बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है खुद से करने के लिए स्वयं करने के लिए. द चिल्ड्रन हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू मूव MOVE मूव themselves 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 राउंड एंड राउंड इन द श्लोका दक्षिण पादम. थर्ड नंबर इन द सॉन्ग दक्षिण पादम हाउ हैव वी बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू द एक्सरसाइज ऑफ बोथ द हैंड्स. पोयम जो सॉन्ग है दक्षिण पादम उसमें क्या इंस्ट्रक्टेड किया गया है दोनों हाथों से क्या एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया है. इन दिस सॉन्ग वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू मूव बोथ द हैंड्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टर्न बाय टर्न TURN टर्न BY बाय TURN टर्न टर्न बाय टर्न. फोर्थ नंबर क्वेश्चन इन द सॉन्ग दक्षिण पादम हाउ हैव वी बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू द एक्सरसाइज ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इन द सॉन्ग दक्षिण पादम सॉन्ग दक्षिण पादम में हाउ हैव वी बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू एक्सरसाइज ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी पूरे बॉडी पार्ट से क्या एक्सरसाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है. इन दिस सॉन्ग वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड INSTRUCTED टू मेक ऑल अवर बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड रोटेट स्लोली ROTATE रोटेट SLOWLY स्लोली. फिफ्थ नंबर वॉट हैव वी बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू इन दक्षिण पादम सॉन्ग दक्षिण पादम सॉन्ग में हमें क्या करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है. We have been instructed to make the children exercise. बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है. सिक्स नंबर What emotion is expressed in the song Sarve Militva? What emotion is expressed in the song Sarve Militva? Sarve Militva में क्या इमोशन एक्सप्रेस किया गया है दिखाया गया है. The emotion expressed in this song is that Let's all play, sing, eat and dance together. Eighth number question. Translate the following verses into English. Verses जो दिए गए हैं उनको English में translate करना है. First number. दक्षिण हस्तम कुरुपृष्ठम मंदम मंदम भ्रामयतम गोलाकारम स्वयं भ्रमा. Translation. Put the right hand forward, put the right hand back. Turn it around, round, slowly and move yourself round and round. R-O-U-N-D, round and R-O-U-N-D, round. Second number, Hastadvayam Puraskuru, Hastadvayam Kuruprishtham, Mandam Mandam Bhramayatam, Golakaram Swayam Brahma. Put your two hands forward, put your two hands back, turn them around, round, slowly and move yourself round and round, R-O-U-N-D, round and R-O-U-N-D, round. Third number, Sarve Militva Khelama, Sarve Militva Gayama, सर्वे मिलित्वा खादामा सर्वे मिलित्वा नृत्यामा. लेट अस ऑल प्ले टुगेदर लेट अस ऑल सिंग टुगेदर लेट अस ऑल ईट फूड टुगेदर एंड लेट अस ऑल डांस टुगेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस। वर्सेस को कंप्लीट करना है और ये लर्न ही करना होता है, लर्न करना ही पड़ता है क्योंकि एग्जाम में आते हैं और हमें लर्न नहीं होते हैं तो हम ये कंप्लीट नहीं करते हैं। तो दक्षिण पादम से लेकर के स्वयं ब्रह्म तक कंप्लीट करना है। फर्स्ट श्लोक में दक्षिण पादम पुरस्कुरु, दक्षिण पादम कुरुपृष्ठम, मंदम मंदम भ्रामयतम, गोलाकारम स्वयं भ्रम। सेकेंड नंबर, सर्वांग ही से लेकर के स्वयं भ्रम तक, सर्वांग ही पुरस्कुरु, सर्वांग ही कुरुपृष्ठम, मंदम मंदम भ्रामयतत, गोलाकारम स्वयं भ्रम। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ एक्टिविटी टाइम, सर्च फॉर अनदर बट सिमिलर एक्शन सॉन्ग इन द स्कूल लाइब्रेरी एंड नोट इट डाउन इन द स्पेस गिवन हियर। तो इसी प्रकार की मिलते जुलते लेकिन डिफरेंट अलग सॉन्ग आपको स्कूल की लाइब्रेरी से कुछ बुक्स देखने हैं वहां से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसी तरीके के एक्शन सॉन्ग को लिखना है। यहाँ पर एक एक्शन सॉन्ग आपको लिख करके दिखाया गया है। पंच अंगुल्य मतलब फाइव फिंगर्स, हृष्ट पुष्ट अंगुष्ठ अंगुष्ठ अंगुष्ठ, हृष्ट पुष्ट अंगुष्ठ अंगुष्ठ अंगुष्ठ, तर्जयति सा तर्जनी तर्जनी तर्जनी, स्थिता च मध्ये मध्यमा मध्यमा मध्यमा, मुद्राम धरति अनामिका अनामिका अनामिका, ह्रस्वाकार कनिष्ठिका कनिष्ठिका कनिष्ठिका, अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका, पंचंगुल्य हस्ते हस्तद्वयन नमस्ते। तो ये एक एक्शन सॉन्ग है, ये ओन करना है आपको। दूसरा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, सिंग दिस सॉन्ग विथ प्रॉपर ट्यून एंड करेक्ट एक्शन रिपीटेडली इन अ ग्रुप। तो आपने जो दक्षिण पादम चैप्टर पढ़ा उसको आपको ट्यून के साथ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, एक्शन के साथ बार बार ग्रुप में सिंग करना है विथ एक्शन। थर्ड नंबर, लिस्ट द गेम्स यू प्ले विथ योर क्लासमेट्स एंड अदर फ्रेंड्स एट होम। तो आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ घर में या क्लासमेट्स के साथ स्कूल में जो गेम्स खेलते हैं उनको यहाँ पर लिखना है, ये ऑन करना है। सभी हम बच्चे गेम्स खेलते हैं तो यहाँ पर लिख लेना है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, फाइंड टू सॉन्ग्स पोएम्स रिलेटेड टू फिजिकल एक्सरसाइज एंड राइट देम। फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड दो पोएम या फिर सॉन्ग आपको सर्च करना है और लिखना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के लिए दिया गया है, इसको ऑन करना है। खुद से भी अगर आपको सॉन्ग मिलता है तो वो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर क्लैप योर हैंड्स जो हम छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटी क्लास के बच्चों को ये सब बहुत अच्छे से आता है, वो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है। क्लैप योर हैंड, लिसन टू द म्यूजिक एंड क्लैप योर हैंड। तो यहाँ पर ओन भी हम कर सकते हैं। और एक और यहाँ पर दिया गया, दो सॉन्ग बोला है। तो सेकेंड नंबर है हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज। तो यहाँ पर ये दो सॉन्ग उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू, टेक केयर।